नमस्कार, मैं दीपा मंडावी, स्वर्गीय भीमा मंडावी की बेटी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे भाजपा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि पार्टी ने मेरी मम्मी श्रीमती ओजस्वी भीमा मंडावी को विधानसभा की टिकट न देकर मेरे पापा के बलिदान को बेइज्जत किया है। भले ही मेरी मम्मी राजनीति में नहीं है, पापा के जाने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, लेकिन आज भी मेरे परिवार के हर सदस्य में इस पार्टी को लेकर वही सम्मान है जो मेरे पापा के अंदर थी। मेरे पापा ने इस पार्टी के लिए अपनी जान दे दी। उनके जाने के बाद हमें अपने कल का पता नहीं था, फिर भी हमारी मम्मी ने हमें संभाला और इस पार्टी में मेरे पापा की जगह ली। उसी सिद्धत के साथ जो मेरे पापा के अंदर थी, हमारे दंतेवाड़ा की जनता के लिए और हमारी भाजपा पार्टी के लिए। क्या मेरे पापा के बलिदान की कोई कीमत नहीं है आप सभी पार्टी वालों के सामने? क्या मेरे पापा से कोई कमी रह गई? जबकि आज भी जनता सिर्फ मेरे पापा को चाहती है और मेरे पापा के इसी अधूरे कार्य को और उनके सपने को पूरा करने के लिए मेरी मम्मी पार्टी में आई थी, राजनीति में उन्होंने कदम रखा था और मैं आज अभी हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ। मुझे मेरे इस सारे सवालों का जवाब चाहिए कि आप लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया।